हल्का हो रहा है। रुक 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 रोक ना, मैं एक मिनट में आया। ओ क्या हुआ? बस दो मिनट में आया। रुको रुको रुको। अरे यार सागर भी ना आधे घंटे रुक नहीं सकता, अभी यह फार्म हाउस आ जाता यार। दो मिनट की बात है यार, आ जाएगा, क्या टेंशन है। निशा सागर की कुछ आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, सागर के बारे में कोई कुछ नहीं खाएगा, ओके? निशा तुम उसके प्यार में ना अंधी हो गई हो, अंधी। मैं जो समझना है तुम समझो। Now finally, me too, yaar. Yeah. Wow. Nice, na? Wow. अच्छा लग रहा है यार। Nice. बच्चों, चाचा जी आए। आप लोग इतनी रात को शाम को आने वाले थे ना? अरे रात हो गई चाचा जी, तो क्या हो गया? आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? ये चाबी, ये देने के लिए मैं इतनी रात तक रुका हूँ। Thank you चाचा जी। ये चला है चाबी। अरे चौकीदार जी एक मिनट सुनिए। बोलो बच्चा। ये पास वाले जंगल में मैंने एक आदमी देखा है, उसने कुछ बोरे से बना हुआ नकाब पहन रखा था। आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? बेटा मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है, देरी हो रही है। अरे मेरी चलो ना तुम अंदर, सब लोग डांस कर रहे, कम ऑन चलो। घबराया क्यों था? अरे छोड़ो ना उसको, चलो। दरवाजे पे कोई है, ध्यान से सुनो। ये कौन आ गया? गाइस लुक एट हिम। अरे भाई सागर, डर के मारे ना तेरी पैंट गीली हो चुकी है, तू चिल कर, मैं देखता हूँ। सुन आराम से, डोंट वरी। यस क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए मतलब? हम लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ, और दो दिन के लिए फार्म हाउस किराए पे लिया है। भाग जाओ यहाँ से आप लोग।
ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ रुकना अपनी जान को खतरे में डालना है। Come on यार अंकल, हम अभी अभी तो पहुंचे हैं यहाँ पर और आप आ गए हमें वापस भेजने। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। भाग जाओ बाबू, भाग जाओ, पता नहीं बाद में भागने के लायक रहो या ना रहो, भाग जाओ। ये सब क्या हो रहा है गाइस? खतरे की खबर गाइस, वो वॉचमैन डरा हुआ था और ये आदमी हमें वॉर्न करके गया, और जो मैंने देखा है वो क्या जरूर खतरा है, तुम लोग समझो मेरी बात को। अरे यार ये गांव के सीधे साधे लोग हैं, ये पहले से डरे और घबराए हुए हैं, तुम इनकी बातें सुन के ना आज की पार्टी खराब मत करो। रोहित पार्टी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन हमारी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, समझो प्लीज। गाइस आई थिंक ही इज राइट, हमें यहां से जाना चाहिए प्लीज। अरे यार 10 घंटे की जर्नी करके आए हम, 10 घंटे की, सबके सब थके हुए हैं, इससे सस्ता और अच्छा घर मिलेगा नहीं। हाँ निशा मुझे लगता है ये सही कह रहा है, इस वक्त यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके एक काम करते हैं, आज की रात रुकते हैं, कल निकल जाएंगे, क्या बोलते हो? ओके परफेक्ट आइडिया है, मैं तेरे साथ हूँ। तुम लोग करो जो तुम लोगों को करना है। गाइस पार्टी, कम ऑन म्यूजिक। सागर कहाँ जा रहे हो तुम, क्या हुआ? चलो बताता हूँ। मैं चल तो रही हूँ ना, तुम बताओ तो सही क्या हुआ? निशा जो भी मैंने कुछ अभी रास्ते में देखा वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है यार, अजीब सी लाइट्स, वो वाइब्रेशंस के साथ गड़गड़ाती हुई अजीब सी आवाजें, वो अजीब सा आदमी और सब कुछ एकदम खतरनाक सा लग रहा था यार। सागर अब हम क्या कर सकते हैं? देखो एक रात की बात है, सब लोग को रुकना है ना, एक रात रुक जाते हैं, कल सुबह चले निशा, जाएंगे। निशा मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। निशा कोई रुके या ना रुके, हमको ऐसे चले जाना चाहिए प्लीज। सागर टिट्टी ऐसी ही आवाज थी। ये क्या सागर? लेट्स गो लेट्स गो। मेरा बैग कहाँ गया? हाँ इसमें ऐसे ऐसे झकास गाने हैं ना कि लोगों का ना डांस करते मन भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। Yo man, I am so excited. अरे रश्मि तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ ऐसी। बस ऐसे ही? क्या बात है, चल तुझे आज सारी रात डांस कराता हूँ, फिर तेरा ये बस ऐसे ही निकल जाएगा। जी तो यहाँ से चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? साहब मैंने उन बच्चों को समझाया था और कहा था कि जल्दी से घर से निकल जाए, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं और कुछ देर के बाद गाना जोर जोर से बजाने लगे। कितनी देर बाद? यही कोई 10-15 मिनट के बाद। वो बच्चे कहां चले गए? गाना तो बज रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, 10-15 मिनट में सारे के सारे बच्चे गायब कैसे हो सकते हैं? पता नहीं साहब। क्या हो गया हमारे बच्चों को? कहां है हमारे बच्चे? हमने सुना है सीआईडी वाले हैं, कहां है वो लोग? एक मिनट, हम लोग ही सीआईडी से हैं, आप लोग घबराइए मत, हम ढूंढते हैं आपके बच्चों को। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस घर में जो खो गया है वो अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस घर में और इसके आसपास
एक आत्मा का साया है और वो अक्सर यहां मंडराती रहती है। देखो हम लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, समझे? यहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं है, सारा सामान वैसे का वैसा है। एक नहीं दो नहीं नौ के नौ बच्चे गायब हैं, ऐसे कैसे गायब हो गए? साहब आप हमारे साथ ऊपर आइए, हमने जो देखा वो अगर आप देखेंगे तो आप हमारी बात मान जाएंगे। कहां चले गए सबके साथ, कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाषा में लिखा हुआ है, हमें भी आज तक पता नहीं चला कि ये क्या लिखा है, लेकिन इस लिखाई के बाद सब कुछ अशुभ अशुभ हो रहा है। अभिजीत लगता तो ये खूनी है। सर नीचे कुछ नहीं मिला। कुछ तो है जरूर, मगर वो नहीं जो ये लोग सोच रहे हैं। इस घर के बाहर आसपास चेक करते हैं। साहब मेरी बात मानिए, कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। देखो भाई हमें अपना काम करने दीजिए, इस घर के बारे में जो भी गलत फहमी है सब अभी दूर हो जाएगी। गलत फहमी नहीं साहब, मौत का डर कहिए। सालों पहले हुए हादसे के बाद बंद पड़ा है ये घर। उस दिन पहले ही एक धनी आदमी ने इसे खरीद लिया और ठीक ठाक करा के किराए पर उठाने लगा। क्या हुआ क्या था सालों पहले? साहब 10 साल पहले यही के मकान मालिक और मालकिन दोनों इसी घर से गायब हो गए थे और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो बिना बताए यहाँ से चले गए हो। नहीं साहब, इस घटना का एक गवाह आज भी जिंदा है, वो गायब हुए पति पत्नी का बेटा सुरेंद्र। उसकी किस्मत अच्छी थी वो बच गया। हाँ साहब, और देखिए ना इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है, वही घटना 10 साल बाद फिर से हो रही है और इस बार बेचारे वो मासूम बच्चे। उसने ये सब आप लोगों के दिलों का डर बोल रहा है, समझे आप? अब जो चाहे कहिए साहब, लेकिन उसके बाद ये कस्बा आज भी उस खौफ से उभरा नहीं है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस घर के नजदीक नहीं आता। चलिए मान लिया कि पति पत्नी वापस लौट के नहीं आए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा या फिर सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों पे ही डरे जा रहे हैं? नहीं नहीं, मनगढ़ंत कुछ नहीं साहब, वो आत्मा आज भी इसी कस्बे में मौजूद है, बहुत से लोगों ने देखा है उसे। क्या क्या देखा लोगों ने? बोरे का नकाब पहने एक डरावनी आत्मा और अजीब अजीब तरह की रोशनी और थरथराती हुई भयानक आवाजें। साहब ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, कोई ना कोई वजह जरूर है इसके पीछे। अब ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा कल रात यहाँ पे किसी गाड़ी को आते हुए देखा था आप लोगों ने? नहीं साहब। सर मेरा घर पास में ही है, लेकिन मुझे ना तो किसी दूसरे गाड़ी की लाइट दिखाई दी ना कोई आवाज सुनाई दी। सर बच्चों की गाड़ियां यहाँ खड़ी है, कोई दूसरी गाड़ी आई नहीं, फिर 9 लोगों को कोई कैसे ले गया होगा? सर मुझे तो लग रहा है ये लोग सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मतलब 10-15 मिनट में 9 लोगों को एक अकेला आदमी कैसे गायब कर सकता है सर? सर यहाँ आइए। सर ये देखिए, ऐसा लगता है 2 लोगों को खींच कर कोई जंगल की तरफ ले गया। बात समझ में नहीं आई, 2 लोगों को खींच के जंगल में ले गए चलो मान लिया, लेकिन बाकी के बच्चों क्या हुआ? हो सकता है कि बाकी के बच्चों को भी किसी तरह से खींच के जंगल में ले गया। हो सकता है। सचिन एक काम करो, ये बच्चों के पेरेंट्स से बच्चों की फोटो ले लो, बाकी बच्चों की भी मंगवा लो। तुम लोग जंगल में देखो, तब तक हम लोग जरा सुरेंद्र से मिलते हैं, देखते हैं 10 साल पहले उसने क्या देखा था। पापा
ये जरा बताइए ये क्या लिखा हुआ है? खतरे की घंटी है ये, बर्बादी की कहानी है ये। क्या मतलब? 10 साल पहले भी यही लिखा था, जब मेरे माँ बाबा गायब हुए थे, आज तक नहीं मिले वो। लेकिन ये लिखा क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बाबा ने ये लिपि सिखाई थी मुझे, बहुत पुरानी बोली है ये, इसका मतलब है आखिरी समय आ गया। तुम्हें अच्छी तरीके से याद है वो आदमी तुम्हारे माँ बाप को बाहर नहीं ले गया, बल्कि उस कमरे के अंदर ही ले गया था? बिल्कुल याद है साहब, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस कमरे के अंदर ही कुछ है, देखना पड़ेगा उस कमरे को दोबारा। सुरेंद्र के माँ बाप को वो नकाबपोश इस कमरे में ही लेके आया था, यहीं पे कुछ हुआ है, चेक करो कमरे को। सर समझ में नहीं आ रहा वो नकाबपोश दोनों पति पत्नी को लेकर कहाँ उड़ गया। उर्वी, आत्मा पलक झपकते ही गायब हो सकती है और पलक झपकते ही प्रकट हो सकती है। अरे यार अभी भी तुम आत्मा में अटके हुए हो, उसको गायब होना कहीं भी गायब हो जाती, कमरे में क्यों आती है? एक मिनट, इधर आ पंकज, उठा इसको। खुफिया दरवाजा, यहाँ से सुरेंद्र के माँ बाप और उन बच्चों को गायब किया गया है। सर लेकिन घर में ट्रैपडोर कैसे? पुराना मकान है, ब्रिटिश के जमाने का, उस समय तो लोग घरों में ट्रैपडोर रखते थे ताकि फ्रीडम फाइटर छुपके से आ जा सके। हाँ सर बिल्कुल यही बात होगी। अभी क्या बात है ये चेक करना है, देखते हैं ये डोर हमें कहाँ लेके जाता है। सर समझ में नहीं आ रहा उसने घर के नीचे सुरंग क्यों बनाई। चाहे किसी वजह से किया गया हो लेकिन इतना तो तय इसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए हो रहा है। सर पता नहीं ये सुरंग कहाँ निकलेगी, देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है किसी को पता चल गया था कि सुरेंद्र के माता पिता कैसे गायब हुए थे, अब वो इसी सुरंग का इस्तेमाल इसी गलत काम के लिए कर रहे हैं। कौन है? सर शायद उनका दोस्त होगा। इसे क्या हुआ? ये तो कोई और है। सर शायद वो बदमाशी में यहां लाया होगा। कुछ तो बड़ा घपला चल रहा है यहाँ पे, है कौन ये? सर ये क्या? ये तो कोई कीमती पत्थर लग रहा है, कहीं स्मगलिंग का चक्कर तो नहीं है? सुरंग का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जा रहा हो और शायद यहीं से उन बच्चों को भी बाहर ले जाया गया है। सारा जंगल तो छान मारा, ये बच्चे गायब कहाँ हो गए? कोई फायदा नहीं है साहब, उस दरिंदे ने उन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। अरे जिंदा नहीं छोड़ा होगा तो लाश तो मिलनी चाहिए ना भाई साहब। My God! इस सुरंग के रास्ते बच्चों को यहाँ जंगल में लाया गया और फिर यहाँ से कहीं और गायब कर दिया गया। सचिन, अरे अभिजीत सर,
हाँ सर। कोई सुराग? नहीं सर, कोई सुराग नहीं मिला बच्चों के बारे में। सुरेंद्र ने क्या कहा, उससे कुछ पता चला? डरा हुआ है, जैसे कस्बे के सारे लोग डरे हुए हैं। कोई तो है जो इनके डर का फायदा उठा रहा है। बहुत भारी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। सब यहाँ पर जो भी गड़बड़ होती है रात में ही होती। आज रात हम भी देखेंगे क्या क्या अजूबा होता है यहाँ पे। सचिन, दो अलग अलग जगहों पे हम लोग नजर रखेंगे। एक जगह तुम लोग रहना, एक जगह हम लोग। तानी वो बच्चे किस हाल में है और कहाँ पे है। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ फंस गए हम? अरे शुरू में ही कहा था निकल चलते हैं इस फार्म हाउस, किसी ने मेरी नहीं सुनी था यार। सागर यार कैसी बातें कर रहा है तू? अरे हमें थोड़ी ना पता था हम सब ऐसी आफत में फंसने वाले हैं। हम तो अच्छा खासा पार्टी करने निकले थे यार, पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस गए। अब तो भगवान का ही कोई चमत्कार हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। जब इंसान की तकदीर खराब होती है तो गलत समय पे गलत जगह पहुंच ही जाता है। तुम लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अरे हम आपको तो जानते तक नहीं है, फिर आपने हमें क्यों किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है? तुम लोगों को यहाँ रोक के रखने का कोई शौक नहीं है हमें। हमारे सवालों का जवाब दो और अपने घर वापस जाओ। क्या क्या जानना चाहते हैं आप लोग? हम जानते हैं कि तुम फार्म हाउस पहुंचने से पहले जंगल के बाहर रुके थे, वहां तुमने क्या देखा और क्या सुना बताओ। हम लोग कुछ देर के लिए जंगल के पास रुके थे और हमने वहां सर पेड़ पौधे झाड़ी और उसके अलावा कुछ नहीं देखा सर, वहां कुछ नहीं देखा। और आप लोगों ने हमें बेवजह यहाँ पे बांध के रखा हुआ है सर। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। बात बंद कर लड़की, मौत कभी किसी को वक्त नहीं देती। अगर मैं तुम्हें एक घंटे की मोहलत देता हूँ, सोच लो समझ लो, एक घंटे में मुझे सब कुछ चुपचाप बता दो। देखो किसी को नहीं पता है कि तुम लोग कहाँ हो और हम एक घंटे बाद आएंगे। अगर सच नहीं उगला ना तो क्रियाकर्म करने के लिए हड्डियां तक नहीं मिलेगी, समझ गए ना? तू इधर ही रुक। रोने से कोई हल नहीं मिलने वाला है हमें। मैं तो कहता हूं सागर, तूने जो भी कुछ देखा और सुना है ना वो सच सच बता दे उनको यार। सागर तू कुछ भी नहीं बोलेगा, अगर तू हम सबको जिंदा देखना चाहता तो कुछ भी नहीं बताएगा। मतलब अगर हमने कुछ नहीं बताया ना तो भी हमें मार देंगे, और अगर हमने कुछ बता दिया और उसका संबंध इन लोगों से निकल गया ना तो हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तो पक्का है कि कोई ना कोई ये गलत काम कर रहे हैं। इनको पता चल जाएगा कि हमको इनके बारे में पता चल चुका है तो अपने खिलाफ कोई भी सबूत कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। निशा निशा क्या हो गया निशा तुमको? मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ इसे, मर जाएगी प्लीज। क्या हो रहा है? प्लीज इसे बचाओ प्लीज। ए चुप हो जा। प्लीज बचाओ मुझे। अरे कोई बचाओ ये मर जाएगी प्लीज हेल्प प्लीज। अरे कोई सुन रहा है? निशा कुछ निशा निशा ये तो बेहोश हो गया, अब क्या? इसको इसको एक कोने में डालो। ओके। और तुम, मैं बाहर से मदद लेके आता हूँ। इसको जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये लो इसे पहले ताकि किसी को शक ना हो तुम्हारे ऊपर। हरी अब कम ऑन सवाल के जाना माधो, चिंता मत करना मैं आ रहा हूं। जल्दी आना। मेरे को बहुत डर लग रहा है साहब,
हम जानबूझकर अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। इस वक्त तो हम सबको अपने घर पर होना चाहिए साहब। सरपंच जी, आपको डर लग रहा है? अरे आप मेरी उम्र के होंगे तो आपको कितना डर लगता होगा। आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? अरे आपको डरता हुआ देखकर मेरा डर और बढ़ रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो अपने दिल से डर को बाहर मत निकालिए, दिल ही दिल में रखिए ना। एक मिनट शांत रहो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान का काम है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज इसको खत्म कर डालेंगे। ये क्या? उसका आतंक शुरू हो गया। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। निकलो यहां से। सर, सांस थोड़ा रोकने की कोशिश करो, हो सकता है ये धुआं निकल जाए। अब कोई फायदा नहीं है साहब, अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो जी गरीब यात्री अब हम नहीं बचेगा था। पंकज अभिजीत, अभिजीत सर, आराम से, आराम से। अभिजीत ओके? ठीक हो ना तुम? हाँ, I'm okay। जी सब हुआ कैसे? सब वो रात में हम लोग बच्चों को ढूंढने के लिए निकले तो अचानक चारों तरफ से कुछ धुंध सी आ गई और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सर चकराने लगा, अजीब सी लाइट आई, कुछ साउंड वाइब्रेशन हेलुसिनेशन जैसा कुछ हो रहा था, फिर हम लोग बेहोश हो गए। मुझे लगता है अभिजीत उस धुन में कोई जहरीला केमिकल मिला हुआ था, इसलिए सब कुछ हो रहा था, हेलुसिनेशन, तुम्हें डर लग रहा था, ये सब। मतलब उन लोगों ने जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस्मत अच्छी थी। आप लोग कैसे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत सर चकरा रहा है साहब। सर इनको हॉस्पिटल पहुंचा दे, यहाँ नजदीक की एक हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर आप लोग हॉस्पिटल जाइए। डॉक्टर साहब आप इनको हॉस्पिटल लेके चले जाइए। ठीक है, तब तक एक मिनट। बच्चों को कुछ पता चला? नहीं सर, बच्चों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। सचिन ये पकड़ो, अभिजीत ये मास्क छोड़ के जा रहा हूँ, कभी वैसा लगे कि कुछ खतरनाक है ये मास्क पहनेगा, प्रोटेक्शन रहेगा। थैंक यू। वंश तुम भी जाओ साथ में। ये रोहित अभी तक क्यों नहीं आया?
रात से सुबह हो गई। निशा, कहीं रोहित को उन लोगों ने पकड़ तो नहीं लिया? राका, राका! लगता है वो लोग आ रहे हैं। चलो, 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 चलो। कहाँ गए? कहाँ गया राका? हमें कुछ नहीं पता। हम तो खुद अपनी जिंदगी के लिए परेशान हैं। प्लीज। ये लोग तो नोकी जगह दिख रहे हैं। दरवाजा खोल। नहीं नहीं, अरे हम लोग कहाँ जाएंगे सर? वो एक दोस्त हमारा पीछे कोने में सो रहा है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए। मैं उठाता हूँ उसे। नहीं सर, उसे मत उठाइए सर। सर, बॉस, ये तो राघव है। ए राघव, उठ, उठ ना। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? ये लोगों ने मेरे सर पे लकड़ी मार के मुझे बेहोश कर दिया था। चल, चलो पीछे। इसका मतलब तुम्हारा एक आदमी गायब है। बहुत होशियार समझते हो ना अपने आप को। अब निकालता हूँ तुम्हारी होशियारी। अब मरे उस गहरी में ढूंढ में। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। प्लीज कुछ मत करो हमारे साथ, प्लीज। कुछ तो सच्चाई है इन गांव वालों की बातों में। कोई तो है इन सब के पीछे जो ये सब कर रहा है। सर, ये चक्कर कहीं एलियन वेलियन का चक्कर तो नहीं है? एलियन? बच्चों में से एक है। हाँ सर। चल निकल बाग, चल निकल बाग, चल आते। चलो बड़ा। क्या हो रहा था यहाँ? क्या क्या कर रहा था? सर, उन लोगों ने हमें अंडरग्राउंड कमरे में किडनैप करके रखा हुआ सर। मैं किसी तरीके से वहां से भाग निकला मदद के लिए और मैं यहाँ पर आके फंस गया। सर, मेरे अभी भी बाकी सारे दोस्त वहां फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने तुम लोगों को किडनैप किया है उनके बारे में कुछ बता सकते हो? सर, मैंने दो नकाबपोश लोगों को बात करते सुना था। क्या क्या सुना तुमने? सर, वो लोग कह रहे थे कि यहां से भागने की बात कर रहे थे। सर सचिन, ढूंढो उनको, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। तुम देखो किधर है वो लोग। सर सर, उस तरफ, उस तरफ। मास्क पहन लो अपने अपने। सर हाँ, सर सर उस तरफ। यहाँ से बाहर जाइए। सागर, 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 सागर उठो। सागर, 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 सर हमारा। एक मिनट, सागर, सागर, सागर प्लीज उठो। माय गॉड, ये तो मर चुका है। नहीं, नो, सागर।
सागर। जो मर चुका है वो वापस नहीं आ सकता, अपनी जान बचाओ। आ रही है, आ रही है। सागर। आप लोग जाइए, आप लोग चलिए, निकलिए, आइए यहाँ पर, चलिए। सर, सागर पे धुंध का असर कुछ जल्दी नहीं हो गया? हाँ ये सर है। सर क्या? ये देखिए। ये सिर्फ स्मगलिंग का चक्कर नहीं है, लगता है यहाँ पे खुदाई उदाई चल रही है ऐसे पत्थरों की, और लोग दूर रहे इसलिए वो लाइट साउंड का ड्रामा किया गया है। लोगों को रोकना होगा। अरे जल्दी करो, हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। बस हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ चल रहा था। लगता है सीआईडी आ गई। जैसे सारे सबूत मिटा दिए वैसे ही जाने से पहले इनका भी नामो निशान खत्म कर दो। आगे खाइए, गिर जाएगा। मैं तो फरगा तोड़ जाऊंगा, तुझे मौत की घाटी पहुंचा जाऊंगा। ए, नहीं मानेगा? मैं सरपंच हूं यहाँ का। सरपंच जी, तो आप हैं सारे खेल के पीछे, हैं? लोगों को डरा के रखा हुआ है और कीमती पत्थरों की स्मगलिंग चल रही है यहाँ पे। क्या बुरा कर रहा था मैं? पैसा ही तो कमा रहा था। आप लोग चाहे तो मैं सीआईडी को अपना आधा कीमती पत्थर देने को तैयार हूं, मुझे जाने दो। पत्थर हमारे लिए भी कीमती है, लेकिन वो देश की अमानत है, किसी एक की नहीं, समझे? और हाँ, उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? खौफ पैदा करना चाहता था मैं, ताकि उस घर की तरफ कोई आने की हिम्मत भी ना करे और मेरा पत्थर का काम आराम से चलता रहे। क्या बात है, सारे बच्चों में सिर्फ सागर की जान है। बच्चों को टॉर्चर भी किया था? नहीं। इंजेक्शन वगैरह लगाया था उनको? जरूरत ही नहीं थी, जहरीली धुंध ही काफी थी उनकी जान लेने के लिए। अब जेल जाओ और तोड़ते रहना पत्थर जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। ले जाओ इनको। जब तुम लोग सेल में थे तो सागर को कोई तकलीफ हुई थी क्या? कुछ बताया था उसने? हाँ सर, उसे एक दो बार चक्कर आया था, लेकिन हमें लगा था कि सेल में बंद होने की वजह से हुआ होगा। और ये वो जहरीली धुंध से पहले हुआ था? हाँ सर, जब राका बेहोश हो गया था और रोहित गया था मदद लेने। और उससे पहले सागर के पास सेल में कौन था?
सब सब शायद रोहित था सर। और यहाँ पर आना है, ये किसका प्लान था? सब वो भी रोहित का था सर। वो भी रोहित का? क्यों रोहित जी? ए, भागता किधर है? चल। मैं क्या पूछने वाला हूँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो। बेहतर होगा अपने आप बता दो, वरना उगलवाना हम लोगों को आता है। हाँ सर, मैंने ही सागर को स्लो पॉइजन इंजेक्शन दिया था ताकि वो धीरे धीरे मर जाए। और ये सब तुमने क्यों किया? मैं निशा से प्यार करता था और निशा उस सागर से प्यार करती थी। तुमने सागर का खून किया था अपने मतलब के लिए, तुमने अपने दोस्त को मार दिया। जैसे सेल्फिश इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता रोहित। निशा, मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। मैंने सोचा मैं उसको उधर ले जाके मार दूंगा और उसका सारा इल्जाम उन अफवाहों पर पड़ जाएगा। प्यार करना जुर्म नहीं है, प्यार में अंधे होकर किसी का खून करना जुर्म है। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी।